राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह मंजूरी दी है। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने फैसला लिया है। राज्य में बहुमत साबित करने में सभी दल नाकाम रहे हैं और यही स्थिति है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। अमित दुबे हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अमित, बड़ी खबर, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया, जो थोड़ी देर पहले ही हम इस चीज का जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही गवर्नर ने रिकमेंड किया था वहीं से माना जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन जो है वो महाराष्ट्र में लग जाएगा और गवर्नमेंट खासतौर पर राष्ट्रपति को संस्तुति देनी थी और कागज इनके पास पहुंच गया था, उसके बाद संस्तुति मिल गई। तो अब फिलहाल जो है साफ तौर पर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। हालांकि इस बीच जो है जो कांग्रेस का डेलीगेशन था, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल डेलीगेशन भी मुंबई पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेताओं के साथ उन लोगों की मुलाकात जारी है। दूसरी तरफ की शिवसेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, कल मामले के लेके सुनवाई होनी है। शिवसेना का कहना है कि ये सब बीजेपी की मंशा पे ये सारी चीजें की गई है और अभी और समय दिया जाना चाहिए था। तो आपको रोकना चाहेंगे इस पर, नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति शासन वहां पे लग गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए इस समय अगर कोई थका हुआ खड़ा है तो वो थका खड़ा शिवसेना पूरी तरीके से थक गई। एक और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री अपना बनाना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। तो उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी का सहारा लेकर के सरकार बनाने की कवायद हुई और वो कवायद भी आज पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन का रिकमेंडेशन दे दिया, कैबिनेट केंद्र की कैबिनेट को मंजूरी दे दी, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी और अगले 6 महीने के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। प्रदीप जी, क्या लगता है, अब राष्ट्रपति शासन लग गया है और अब तो वक्त ही वक्त है जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर, अब आगे किस तरह की स्थिति बनती और बिगड़ती नजर आएंगी? क्या ऐसा लगता है कि अब वक्त रहते अगर कोई रास्ता बीच का नहीं निकला तो फिर से क्या चुनाव होंगे? देखिए अभी चुनाव पे जाना है, थोड़ा जल्दबाजी होगी, अभी तमाम रास्ते बचे हुए हैं और राज्यपाल के दरवाजे अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। अगर तीनों लोग एक साथ सरकार बनाना चाहते हैं तो जाकर के वो अपना समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को दे सकते हैं और राज्यपाल संवैधानिक रूप से ये कह सकते हैं कि फ्लोर पर आपको करना पड़ेगा, फ्लोर पर आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जा रही है, उसने सुबह एक अर्जी दी थी राष्ट्रपति शासन लगने से पहले, लेकिन अब वो अर्जी नल एंड वॉइड हो गई है। तो दूसरी रिक्वेस्ट वो सुप्रीम कोर्ट को कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उससे क्या एक्शन लेता है ये भी देखना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी उधर से खुला हुआ है। तीसरी बात यह है कि अगर अभी फिलहाल कुछ बात नहीं बनती है तो 6 महीने का समय है और कोई भी जाकर के वहां पर अपनी बात बता सकता है कि हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। प्रदीप जी, इस तरह की भी खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि एनसीपी एक नया फॉर्मूला दे रही है जिसके से डिप्टी सीएम कांग्रेस का हो सकता है, इस तरह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, क्या इस तरह के लेके कोई खबरें हैं? देखिए कई तरह के दो पिछले कई दिन से लगातार से ये बात चल रही है, 24 तारीख को ये नतीजे आए थे और उसके तुरंत बाद से ये बात शुरू हो गई थी कि शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए पर्दे के पीछे से ये कवायद शुरू हो गई थी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाए। कांग्रेस ने जो अपने वादे किए थे कि उसने शिवसेना ने उसको पूरा किया, शिवसेना ने अपने संबंध पूरी तरीके से विच्छेद किए भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र में उनका एक मंत्री था उसको इस्तीफा दिलवाया और इतना ही नहीं जो भी कहा वो मांगे मान ली गई। कांग्रेस ने जो मांग की थी कि उनका डिप्टी सीएम हो और 14 मंत्री भी हो तो कुल मिलाकर के 45 मंत्री वहां पर हो सकते हैं और अगर 14 मंत्री वो हो सकते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शिवसेना उसको भी मानने के लिए तैयार थी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि कांग्रेस ने और शिवसेना के साथ में खेल किया है, उनको छला है और अब शिवसेना क्योंकि दोनों धुरंधर खिलाड़ी हैं, देखिए इस बात में मानने में कोई एतराज नहीं होगा
कि उद्धव ठाकरे अभी राजनीति के थोड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और शरद पवार का और सोनिया गांधी दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही मजे खिलाड़ी है और कहीं गच्चा खा गए। मुझे लगता है कि शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं वो इन सबकी राजनीति के बीच में कहीं से गच्चा खा गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और के शुक्ला बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। के शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त आपको ही बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए जो परिस्थितियां वहां उत्पन्न हुई थी उनमें कल ही रात में स्पष्ट होने लगा था कि राष्ट्रपति शासन ही अब वहां अंतिम विकल्प रह गया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की दिशा में ही लगने की दिशा में ही महाराष्ट्र चल पड़ा है। क्योंकि जब कौवा हंस की चाल चलने लगा, शिवसेना अपने मूल स्थान मूल मित्र के साथ दूसरी जगह जाने वाली है और वो समझ रही है कि कैसे कैसे लोग लोगों की राजनीति चलती है वो समझ नहीं पा रही है, तो ये हर सोना ही था शिवसेना को भी उसी जाल में फंस गई जो जाल उसने बिछाया था। 50-50 का तकाजा वहां से भी आ गया। शुक्ला जी, जाल की बात आप कह रहे हैं, शिवसेना का कहना ये जाल आपने बुन दिया है कि 24 घंटे का जो वक्त राज्यपाल ने नहीं दिया, शिवसेना का ये कहना है कि बीजेपी ने ही पूरा ये गेम बनाया जिसमें चीजें ऐसी बिगड़ गई हैं। आप शिवसेना क्या कहेगी क्या कह रही हो एक अलग विषय है, लेकिन आप खुद सोचिए जब कल शाम तक उनको चिट्ठी देने की समर्थन की नहीं दे पाए, अरे भाई आप फैक्स ही कर देते, आप फोन ही कर देते गवर्नर साहब को, हम उसका आग्रह, कांग्रेस स्टेटमेंट जारी कर रही है दिल्ली में कि अभी तय नहीं किया गया है, कल हम लोग देखेंगे परसों देखेंगे, तो अनिश्चितता के भंवर में कत्ते महाराष्ट्र को घेरा जाएगा। ठीक है, ठीक है शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के पास भी नहीं है। देखिए जहां तक आपने कहा कांग्रेस कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेना पसंद नहीं करती और मैं समझता हूँ शरद पवार जी भी उसी मिजाज के आदमी हैं। जो जल्दबाजी में थे, जाहिर है आपने देखा कि जो जिन्होंने जल्दबाजी की वो सरकार बनाने में उस वक्त अभी उनको नहीं, और ऐसे पहले भी हुआ है कि कुछ जगह जल्दबाजी में सरकारें बनाई गई लेकिन वो सरकारें फिर ज़्यादा दिन चलती नहीं, उसमें मन मिटाव बहुत होता है और फिर वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्य में बहुमत साबित करने में सभी दल नाकाम साबित हुए। और बलिया से खबर है, गंगा स्नान करने आया युवक